अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हमने टॉपिक हमारा जो डिस्कस किया था हमने वो था डेटाबेस, कि डेटाबेस क्या चीज़ है, वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, हमने डेटाबेस के बारे में यानी कि डिस्कस किया था डिटेल के अंदर। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या कहता है जी वो। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम्स का यह मजमूआ होता है जो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो उस प्रोग्राम को हम कहेंगे जिस प्रोग्राम को यूज़ करते हुए हम अपना या अपनी डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे, अपनी डेटाबेस को बनाएंगे। ठीक है, अगर हमने डेटाबेस बनानी है तो डेटाबेस बनाने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो होगा, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता जाऊँ, जिस तरह आपके पास MS Access है। ठीक है, MS Access हमारे पास एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उस प्रोग्राम को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट लिखा हुआ है जी, DBMS इज अ जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स दैट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फैसिलिटीज। DBMS एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर सिस्टम है, एक जनरल पर्पज आम लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है, जो ये हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जी। DBMS किसकी एप्लीकेशन है जी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नंबर वन फैसिलिटी हमें DBMS क्या प्रोवाइड करता है जी, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ये हमें हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाने में मदद देता है। स्ट्रक्चर क्या मतलब है, कि हमारे डेटाबेस के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, कितनी वैल्यूज होंगी, उनकी लिमिट क्या होगी, डाटा टाइप क्या होगी। ये टर्म्स थोड़ी सी शायद आपको समझ ना आए। डेटा टाइप्स जिस तरह है, डेटा टाइप्स आपने लास्ट ईयर प्रोग्रामिंग पढ़ी है, उसके अंदर विजुअल बेसिक पढ़ी थी आप लोगों ने, उसके अंदर डेटा टाइप्स का से आप लोगों को पता होगा क्या होता है। तो वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि डेटा टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाज को हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप्स कहते हैं। तो डेटा टाइप्स वगैरह यहाँ पर लिखा है, फॉर्मेट एंड कंस्ट्रेंट, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, डेटाबेस के स्ट्रक्चर में आती हैं। तो पहली फैसिलिटी हमें DBMS ये प्रोवाइड करता है कि हम इसकी मदद से अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। सेकंड हमें हमारे पास फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है DBMS वो है जी, इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू स्टोर डाटा ऑन सम स्टोरेज मीडियम कंट्रोल्ड बाय DBMS। सेकंड फैसिलिटी हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम अगर कोई डाटा, जो डाटा हमने स्टोर किया है अपने डेटाबेस के अंदर, उसको हम किसी फिजिकल मीडिया स्टोरेज के ऊपर स्टोर कर सकें। ठीक है, हम उसे हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर कर सकते हैं, हम उसे फ्लैश ड्राइव के ऊपर स्टोर कर सकते हैं, या हम उसकी किसी भी किस्म की DVD के ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं। ये है हमारे पास सेकंड फैसिलिटी। थर्ड फैसिलिटी हमारे पास ये प्रोवाइड करता है जी, प्रोवाइड फैसिलिटी टू इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड रिट्राइव स्पेसिफिक डाटा टू जनरेट रिपोर्ट्स। ठीक है, DBMS हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी डेटाबेस के अंदर नया डाटा इंसर्ट कर सकें, पुराने डाटा को हम डिलीट कर सकें, या हम पुराने डाटा को अपडेट कर सकें, या उसके अंदर से जो हमारे पास डाटा मौजूद है उसके अंदर से अपनी मर्जी के मुताबिक अपने डाटा को रिट्राइव करा सकें, वहाँ से हासिल कर सकें, या कोई रिपोर्ट तैयार कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स का डेटाबेस मौजूद है, अगर मुझे अब मुझे रिपोर्ट, प्रिंसिपल ने रिपोर्ट मांगी है मुझसे कि 1000 में से कितने स्टूडेंट्स हैं उनके 80% से अबव मार्क्स हैं, तो क्या होगा, मैं अपनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू अपने डेटाबेस के अंदर से ये फाइंड कर सकता हूँ, ये रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ कि मेरे 1000 स्टूडेंट्स के में से कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 80% से अबव हैं। ठीक है, और सबको क्लियर होगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसे कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो हम डेटाबेस को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं जी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट, कि डेटाबेस के जो एनवायरनमेंट होता है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। अब डेटाबेस एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन कर दूं, जिस तरह से किसी भी चीज़ का कोई एनवायरनमेंट होता है, फॉर एग्जांपल हम कार का एनवायरनमेंट लेते हैं, कार का एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे जी,
नंबर वन कार एक प्रोडक्ट इटसेल्फ एक प्रोडक्ट होगी। नंबर सेकंड कार के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे, मिसाल के तौर पर टायर्स एक कंपोनेंट है, उसकी सीट्स सेकंड कंपोनेंट हम कह सकते हैं, उसका इंजन थर्ड कंपोनेंट, वो बंदा जो कार चला रहा है वो भी एक कंपोनेंट ही है कार डेटाबेस कार की इन्वायरमेंट का, तो वो क्या होगा वो फोर, ये यानी कि क्या है उस कार के कंपोनेंट्स हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डेटाबेस की इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। नंबर वन कंपोनेंट वो कह रहे हैं जी रिपोजिटरीज। अ रिपोजिटरी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा इंफॉर्मेशन डाटा रिलेशनशिप आउटपुट स्टाइल्स एंड रिपोर्ट फॉर्मेट एक्ट। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज अ मेटा डाटा डेट इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज डाटाबेस। रिपोजिटरीज के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे डाटा की डेफिनेशन मौजूद होती हैं। अब ये क्या है, शायद आपको याद हो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक टर्म पढ़ी थी मेटा डाटा, और वो क्या चीज़ थी वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपको नहीं याद तो आप जाके फर्स्ट लेक्चर दोबारा देख सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मेटा डाटा क्या था, डाटा अबाउट डाटा, डाटा के मुतालिक जो हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं जी मेटा डाटा कहते हैं। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मिसाल के तौर पर हमारा डाटा किस टाइप का डाटा है, हमारा जो डाटा है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स के नेम्स है, ठीक है, नेम तो हमारे पास एक डाटा हो गया। अब उस डाटे के रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि वो डाटा किस टाइप का है, नेम्स किस टाइप के डाटा के अंदर आते हैं, नेम आते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स की टाइप के अंदर, ठीक है। अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, उसकी डाटा टाइप होगी नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है हमारे डाटा के रिलेटेड। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ये किस में स्टोर होती है, डेटाबेस के अंदर ये स्टोर होती है, इसकी रिपोजिटरीज के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होता है डेटाबेस के अंदर एक कंपोनेंट होता है हमारे डेटाबेस इन्वायरमेंट का। नंबर सेकंड पे आ जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हम पूछे पढ़ चुके हैं क्या होता है जी डेटाबेस इन्वायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होता है, जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम अपनी डेटाबेस को बनाते हैं। नंबर थर्ड पे जी मेरे पास है जी डेटाबेस, डेटाबेस भी हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, डेटाबेस कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, ठीक है। हमारे पास एक जैसे डाटे का कलेक्शन को के मजमुए को हम क्या कहते हैं जी डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। ये तीन कंपोनेंट्स हो गए हमारी डेटाबेस इन्वायरमेंट के। नंबर फोर कंपोनेंट है जी मेरे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब देखते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम हम किसे कहते हैं जी, एन एप्लीकेशन इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज टू सेंड कमांड्स टू द डेटाबेस इन्वायरमेंट सिस्टम टू मैनिपुलेट डेटाबेस। दीज कमांड्स आर सेंड टू DBMS थ्रू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। द यूजर इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम फर्दर इंटरेक्ट विद द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डिवेलपर 2000 एंड पावर बिल्डर, ठीक है। वो कह रहा है कि वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, वो प्रोग्राम्स जो क्या करते हैं हमारी डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं जी, वो भी एक कंपोनेंट है हमारे DBMS इन्वायरमेंट का, डेटाबेस इन्वायरमेंट का। वो प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली है क्या, वो इंटरफेस है जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं अपनी DBMS के अंदर साथ, ठीक है। यहाँ पर उसने जो एग्जाम्पल दी है पावर बिल्डर और डिवेलपर 2000, ये बेसिकली क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो आपको मदद देते हैं आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने में। नंबर फाइव पे जी यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या जी, द यूज़र इंटरफेस इज़ अ विजुअल एनवायरनमेंट दैट यूज बाय द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। इट कंसिस्ट ऑफ मेन्यूज बटन्स एंड अदर कंपोनेंट्स। ऑल विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर आर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। द यूज़र इंटरफेस इंटरेक्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। यूज़र इंटरफेस कंप्यूटर के अंदर जब हम फॉर एग्जाम्पल जब हमारी विंडोज ओपन होती है तो सबसे पहले हम जो डेस्कटॉप डिस्प्ले हमें नज़र आता है वो बेसिकली क्या होता है, हमारी कंप्यूटर का इंटरफेस होता है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, उसकी मदद से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो डेस्कटॉप ही वहाँ पे कुछ भी ना हो डिस्प्ले हो, ठीक है, डेस्कटॉप आपका, डेस्कटॉप जो आपका है उसके ऊपर कोई भी मेन्यूज कोई भी आइकन्स ना डिस्प्ले हो रहे हो तो फिर क्या होगा, आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस हमारे पास अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन का ज़रिया होता है। सेम इसी तरीके से
हमारे पास जो हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं हमारी डेटाबेस के अंदर एक इंटरफेस होता है, जिस इंटरफेस को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं अपनी डेटाबेस को बनाते हैं, अपनी डेटाबेस के अंदर डेटा वगैरह को एंटर करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है, तो उस इंटरफेस में होगा क्या बेसिकली, उस इंटरफेस के अंदर आपके पास मेन्यूज़ होंगे, आइकन्स होंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होंगे, जिसकी मदद से क्या होगा आप अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर उसने बताया जी कुछ कंपोनेंट्स बताए हैं इंटरफेस के, कुछ कंपोनेंट्स बताए हैं। नंबर वन जी फॉर्म्स, सेकंड है मेन्यूज, रिपोर्ट्स, फॉर्म के हैं। ठीक है, जिस तरह आप लोग जब एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या करते हैं, आप एक फॉर्म फिल करते हैं, उस फॉर्म के अंदर क्या होता है छोटी छोटी लाइंस लगी होती हैं जहाँ पे आपने अपना डाटा फिल करना होता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है द फॉर्म आर यूज्ड टू एंटर डाटा इन द डेटाबेस। फॉर्म हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने डाटे को डेटाबेस के अंदर एंटर करने के लिए हम क्या करते हैं जी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अ फॉर्म क्या, फॉर्म के अंदर क्या क्या होता है, अ फॉर्म कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स एंड बटन्स दैट आर यूज्ड बाय द यूजर फॉर एंटरिंग डाटा इजीली। एक फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होता है जी टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर हम अपना डाटा लिखते हैं और बाद में एक बटन होता है जिस बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो डाटा है वो डेटाबेस के अंदर एंटर हो जाता है। मेन्यूज नंबर सेकंड है हमारा कंपोनेंट मेन्यूज। मेन्यूज आर अ लिस्ट ऑफ कमांड्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस। मेन्यूज आर फ्रीक्वेंटली यूज इन विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, द यूजर कैन यूज दैम ईजिली फॉर मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस। मेन्यूज बेसिकली क्या होता है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं जो आप मेन्यूज़ को सिलेक्ट करते हुए परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने दो नंबर्स को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, एडिशन का एक मेन्यू होगा, मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास क्या होगा, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मेन्यूज़ मौजूद होंगे, ऑप्शंस मौजूद होंगे, उन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ अपना जो रिज़ल्ट है अपना कोई भी ऑपरेशन उन चीज़ों के ऊपर परफॉर्म कर सकता हूँ। नंबर थर्ड रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। रिपोर्ट्स क्या होता है, रिपोर्ट्स बेसिकली आपने आउटपुट जो डिस्प्ले करानी है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स का डेटाबेस मौजूद है, उसके अंदर से मैंने एक रिपोर्ट जनरेट करनी है कितने स्टूडेंट्स की मार्क्स जो हैं वो 80% से अबव हैं। ठीक है, अब वो रिपोर्ट मैं किस तरह जनरेट करूँगा, वो मैं रिपोर्ट अपने यूज़र इंटरफेस के थ्रू वहाँ पर मौजूद ऑप्शन को यूज़ करते हुए मैं क्या करूँगा वो उस रिपोर्ट को तैयार करूँगा। यहाँ लिखा हो द यूजर कैन जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स बाय मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस। द इन्फॉर्मेशन ऑन द रिपोर्ट्स इज अरेंज इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड मे कंटेन्स ग्राफ्स, चार्ट्स एंड टेबल्स। कह रहे जो हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो हम मल्टीपल वेज में डिस्प्ले करवा सकते हैं, वो चार्ट्स की फॉर्म में हो सकती है, वो टेबल्स की फॉर्म में हो सकती है या वो ग्राफ्स की फॉर्म में हो सकती है। तो हम रिपोर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे कंपोनेंट है जी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। अब डाटा एडमिनिस्ट्रेटर हमारा क्या है जी, वो बंदा जो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम क्या कहते हैं जी, ये डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, वो बंदा जो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है उसे हम क्या कहते हैं, ये डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है और उसके पास सारी की सारी अथॉरिटी मौजूद होती है हमारी डेटाबेस को अपडेट करने की, उसे सिक्योर करने की सारी जो जिम्मेदारी है हमारी डेटाबेस के रिलेटेड वो उस बंदे पर होती है, उसे हम क्या कहते हैं जी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। नंबर सेवन क्या है जी, सिस्टम एनालिस्ट्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। सिस्टम एनालिस्ट्स डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंड यूजर एंड डेवलप स्पेसिफिकेशंस फॉर ट्रांजैक्शन। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स इंप्लीमेंट दी स्पेसिफिकेशन एंड प्रोग्राम्स। अब ये कौन होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं, ये बेसिकली वो होते हैं जो डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हमें डेटा एडमिनिस्ट्रेटर देता है या जो रिक्वायरमेंट्स यूज़र्स, वो यूज़र्स जिन्होंने उस सिस्टम को यूज़ करना है, वो लोग जो रिक्वायरमेंट्स देते हैं उसको फुलफिल करना किसकी ज़िम्मेदारी होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर की ज़िम्मेदारी होती है। एंड वाला जो कंपोनेंट है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का या डेटाबेस इन्वायरमेंट का, वो है जी एंड यूज़र। एंड यूज़र वो शख्स जो डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ हमारे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट डाटा इन द डेटाबेस, और वो इस बात का जिम्मेदार होता है कि वो डाटे को डेटाबेस के अंदर एंटर करें, डिलीट करें या अपडेट करें। इसे हम कह सकते हैं जी ये जो डाटा इंट्री ऑपरेटर होता है। ठीक है, डाटा इंट्री ऑपरेटर क्या होता करता है, वो बेसिकली क्या करता है, सारे के सारे डाटे को, उसका कोई और कंसर्न नहीं होता, उसने उसे डाटा दिया जाता है
और वो उस डाटे को जस्ट ऐड करता जाता है अपने डेटाबेस सिस्टम के अंदर, अपनी डेटाबेस के अंदर। उसका काम सिर्फ क्या होता है जी, डाटे को ऐड करना या किसी डाटे को डिलीट करना या किसी डाटे को अपडेट करना, ये इस बस उसका काम होता है। और उसका काम उसके डिज़ाइन के साथ या उसके स्ट्रक्चर के साथ डेटाबेस के उसका कोई भी कंसर्न नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।